फरिश्तों पर फजीलत हजरत आदम को थी, इन महीने कर दिया था आपका पल्ला गरा। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूँ अब्दुल वहाब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अब्दुल वहाब दुरानी। आज वर्ल्ड एजुकेशन डे है और मैं इल्म की फजीलत के बारे में बात करूँगा। तो दोस्तों, जंगे बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अजीम फतह से नवाजा और कुछ माले गनीमत मुसलमानों के पास आया और बहुत से काफिर कैदी बन गए। तो मशवरा ये हुआ कि इन कैदियों से फितिये की रकम लेकर इनको आजाद कर दिया जाए। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इन कैदियों में पढ़े लिखे लोग हैं उनको मुसलमानों के हर 10-10 बच्चे को पढ़ना लिखना सिखाएं तो उनको आजाद कर दिया जाएगा और बाकी जो है उनसे फितिया की रकम लेकर उनको भी आजाद कर दिया जाएगा। तो साथियों, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इल्म की इतनी फजीलत थी कि आपने दौलत पर इल्म को तरजीह दी। लो जान बेच कर भी जो इल्म हुनर मिले, जिससे मिले, जैसे मिले, जिस जगह मिले। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा, रब्बी जितनी इल्मा, ए अल्लाह तू मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे हो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।